सकते हैं ये क्वेश्चन, उसको फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को पूछने के बड़े बड़े तरीके होते हैं। टीचर कैन आस्क क्वेश्चन इन एनी फॉर्म, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई नहीं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साथ के साथ कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ओके, तो वर्डिंग जो चेंज होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, और जो जो भी नोट्स यहाँ पे बनाते हो बोर्ड से, जो कुछ भी नोट करते हो उनको सेफ रखना टिल योर फाइनल एग्जाम्स। ओके, यू शुड नो, आप कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ट्रू फॉल्स देखने हैं, असर्शन रीजन देखना है। असर्शन रीजन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको चैप्टर जो है और क्लैरिटी होती जाएगी। ओके, और एग्जाम में भी आप थोड़ी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब कोई क्वेश्चन अच्छे से आते होते ना, तो आपको स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और एक्यूरेसी भी आ जाती है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकलता है आपका। ठीक है, मैंने देखे कई बच्चे कहते हैं कि हमारा मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी था। पेपर तो उतना ही था, पेपर तो उतना ही होता है, जितने मार्क्स का बनाना होता है उतना ही आपको आता है अकॉर्डिंग टू क्लास। ओनली थिंग इज यू हैव टू इंक्रीज लिटिल स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, जब आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर बेटा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आपने किया हुआ है क्लास में? यस डिड यू हैव द मॉड्यूल? यस ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 8th A में से कोई भी मेरे को खड़ा होकर बताएगा कि ग्राफ के चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, वट एवर यू नो अबाउट दैट। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वट एवर यू नो सिंपली कि क्या क्या होता है इन जनरल, आपने क्लास में क्या पढ़ा है। यस, कोई भी बच्चा आ जाए आगे 8th A में से, अपनी लैंग्वेज में जो भी आप बताना चाहते हो, हमने ये पढ़ा है। यस बेटा, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम, वी हैव स्टडीड इन अ ग्राफ चैप्टर अबाउट लाइन ग्राफ्स यस, मैम, एंड हाउ टू मेक द ग्राफ्स विद अ मेथड वेरी गुड, यस, दैट हाउ द लाइक वी हैव टू मेक देम इन अ लाइन। मेक अ लाइन, यस, हाउ टू ड्रॉ द पॉइंट्स, हैव यू लर्न दैट, मैम हाउ यस टू ड्रॉ द पॉइंट्स। ठीक है, पहले यस उसके मैम बाद ज्वाइन करके आपके पास लाइन आएगी। एंड मैम हैव यस अबाउट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आल्सो, मैम यस मैम एब्सिसा एंड यस, ऑर्डिनेट ओके, दैट यू नो, एंड दैट आल्सो यू नो कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल भी होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल भी होती है, दैट वर्टिकल मैम यस आल्सो यू नो, दैट इज ग्रेट। ठीक है, यही सारा जिस्ट है इसका। ओके, सिट डाउन, बैठो बेटा, थैंक थैंक यू। यू। एंड नाउ इस चैप्टर में भी थोड़े से पॉइंट्स लिखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जिसको हम की पॉइंट्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट फॉर्मूला बट की पॉइंट, जो आपकी असर्शन रीजन में काम आता है, ट्रू फॉल्स में काम आता है, नॉलेज में काम आता है, कि इस चैप्टर में नॉलेज क्या गेन की है आपने। ठीक है, फर्स्ट आउट द हेडिंग की पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब जब हम की पॉइंट्स लिखेंगे तो अपने वर्ड्स में लिखेंगे, इट्स नॉट दैट कि वो बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी जो आपको समझना आए। ठीक है, वो तो एसर्शन रीजन में आप कर ही लोगे। ये छोटी छोटी जो अपने वर्ड्स में आपने डेफिनेशंस लिखनी है वो क्या है, कि एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आपको पता है तो भी लिखना है। ओके, वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, मैं वो पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो आपने क्वेश्चंस में आगे यूज करना है। इज द बोर्ड क्लियर? यस, मैम यस ओके, प्लीज राइट डाउन। Point 1, 2 शोज, 1, 2 अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आपको क्या शो करेगा, कोई बताएगा मेरे को? 8th B सेक्शन अभी, बी सेक्शन अभी, आर यू देयर? आपको क्या पता है कि 1, 2 अगर आपके पास पॉइंट्स हैं इसके बारे में, पॉइंट को देख के आपको क्या पता चलता है कि ये ग्राफ में कहाँ होगा? व्हाट डू यू लुक फॉर?
वन इज एक्स एक्सिस एंड टू इज वाई एक्सिस। टू इज ऑन वाई एक्स, थ्रू वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, शोज एक्स कोऑर्डिनेट, सिट डाउन बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट का मतलब, तो आपने अभी बताया कि हम एक्स से 1 को देखेंगे और वाई से हम उसको देखेंगे, ठीक है, साथ साथ में ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो छोटा सा अभी नॉलेज के लिए। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, ठीक है, आपको 1 और 2 पॉइंट लेना है। यहाँ पे रेंडमली अपने आप कोई भी पॉइंट्स लिख लो, ऊपर 1 2 3, ठीक है, मैंने 1 2 लिखा है, तो 1 आप 1 एक्स एक्सिस पे देखोगे और 2 यहाँ पे देखोगे, तो ये पॉइंट आपका 1 2 यहाँ पे आएगा। नो, एवरीबडी नोज ऐसे पॉइंट देखते हैं, डिड यू नो इट, एक्स एक्सिस से आपने 1 को देखना है और वाई एक्सिस से आपको 2 को देखना है, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा पी पॉइंट आपका 1 2, दैट यू नो, यस एवरीबडी नोज, यस, ठीक है। यस नाउ यू आर सिटिंग हियर, यू आर लिसनिंग टू मी, कुछ बातें आपको पता भी है, कुछ अभी मेरे से भी पता चलेंगी न्यू बातें, ठीक है। नाउ यू थिंक कि इस चैप्टर में आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी है। डू यू प्रॉमिस कि इस चैप्टर में आप एक आधा नंबर भी नहीं कटने दोगे? ओके, अपने जो डाउट्स होंगे आप साथ के साथ मेरे से पूछते जाओगे। आपने इतने बड़े बड़े चैप्टर्स कर लिए, इतने डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लिए, अब ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। ओके, पॉइंट 1 2 शोज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड एक्स कोऑर्डिनेट का नेम क्या होता है? एप्सिसा कोऑर्डिनेट इज एप्सिसा कॉल्ड, राइट डाउन, इज कॉल्ड एप्सिसा, बाय राइटिंग दीज पॉइंट्स यू विल बी मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट, व्हाट यू कॉल इट, ऑर्डिनेट, यस बेटे, काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। प्लीज रिमेम्बर, यहाँ पे सी नहीं है, दिस इज ऑर्डिनेट उसका नेम है। ओके, काफी बच्चे एग्जाम में इसको कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, बिकॉज वो उन्होंने कभी बुक में इसको पढ़ा नहीं है, बट सिर्फ सुना ही है। अगर मैं ऑर्डिनेट बोल रही हूँ तो ऐसे किसी को सुन भी सकता है कि ओ मैम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमें पता होती है ना वही हमें सुनती भी है ऑटोमेटिकली। ओके, तो अपने आप इमेजिन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ही होगा, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट कोऑर्डिनेट, दिस इज ऑर्डिनेट। आपकी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। ओके बेटे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट ऑफ योर चैप्टर। एवरीबडी इज राइटिंग, जिसने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए सारे पॉइंट्स मेरे साथ साथ, 4 पॉइंट, गुड, वेरी गुड, 8th D से, या बच्चे आपने अभी लिखना शुरू किया, जल्दी करो, यस, यू हैव टू राइट दीज ऑल पॉइंट्स, आता है तो भी लिखना है। ओके, पॉइंट 0 0 लाइज ऑन व्हाट, 0 0 पॉइंट कहां पे होगा? रीजन यस, खड़े होके बताओ बेटे, किसने बताया? यस, ठीक बताया आपने, आवाज आपकी ठीक आई है, बट बोला किसने? ई सेक्शन, हाँ बताओ, दोबारा से बताओ बेटा, ओरिजिन ओरिजिन, या ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन जो होता है वो यहाँ पे होता है कॉर्नर में, दिस इज ओरिजिन, 0 0 पॉइंट, इसको आप मार्क भी कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, 0 0 पॉइंट यहाँ पे होता है।
ठीक है, 6 पॉइंट, पॉइंट 2-0 लाइज ऑन आपकी, शायद बाहर इससे ना आवाज आ रही है, किसके माइक से आ रही है, आपका म्यूट करना पड़ेगा आपको, आपके बाहर कोई फंक्शन चल रहा होगा उसकी आवाज आ रही है। ओके, कैन यू टेल मी बेटा, द पॉइंट 2-0 लाइज ऑन Please, 8C. I want to ask you, Priya. Are you there? Yes, baby, beta. ये point कहाँ पे lie करेगा? X axis. On x axis. Why? यार कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला कि ये x axis पे नहीं होगा? किसी ने बताया आपको? किसी ने हेल्प किया आपकी? बता दो तो क्या है, हेल्प किया तो फिर क्या हो गया, अच्छी बात है हेल्प करनी तो। Somebody told you the answer? Okay, चलो गो बैक, मैं यही पॉइंट लिखवाने वाली हूँ, ठीक है? आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बेटे, जब मैं आपको आगे बुलाती हूँ ना कुछ आंसर बताने के लिए, अगर आता तो भी बता दो कि नहीं आता। यस, मैम 8th F में बोर्ड विजिबल नहीं है। 8F में, ओके नाउ इट इज बेटर, थोड़ा सा बेटर हुआ बेटी। और 8F में ना थोड़ा डार्क रूम लग रहा है, मेरे को भी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 8F, मैम को बोलो थोड़ा कैमरा ठीक करेंगे। यस, नाउ आई कैन सी यू, आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? 8F, ओके, सारे सेक्शंस भी बोर्ड क्लियर है? यस, ओके ऑलराइट। चलो अभी इसको बताना पड़ेगा, 0.20 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कौन रीजन के साथ बताएगा कि यस इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसका रीजन क्या है? 8 में, यस बच्चे जो आगे बैठे हैं जिनके पास माइक है, 8D, यू नो इट, बता दो। यस यस, एक्सेसिस, एक्सेसिस पे ठीक है लाई करेगा, बट कैसे, हाउ डू यू चेक, आपको कैसे पता चलता है, पॉइंट को देख के कैसे पता चलेगा? अगर आपने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, आपको सिर्फ पॉइंट को देख के कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है? रेशो हैंड किसको पता है? चलो ओके, देन लिसन टू मी, लिसन टू मी, एवरीबॉडी लुक, अभी भाई आई कैन सी हैंड्स आल्सो 8F में। यस, लास्ट बॉय जिसने हाथ खड़ा किया प्लीज आ जाओ आगे, लास्ट बॉय, यस यस आ जाओ बच्चे, आई कैन सी योर हैंड, लास्ट बेंच, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी बेटा उठ के आगे आने में, पर कोई बात नहीं, आई विल बी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। यस, थोड़ा लाउडली बोलो, टाइप आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपकी टीचर होंगी वहां पे क्लास में, उनकी हेल्प ले लो। अच्छा कोई प्रॉब्लम है, इट्स ओके, इट्स ओके, चलो इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू, एवरीबॉडी सी हियर, नहीं पता, दे विल लिसन टू इट केयरफुली,
बाय पहुंचिंग द पॉइंट। अगर आपको ग्राफ नहीं भी ड्रॉ किया आपने, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल नहीं ड्रॉ की है, आपको पॉइंट को देख के कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि सारे पॉइंट जो होते हैं ना वो एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड होता है कि एक्स वाई की फॉर्म में ही है सारे पॉइंट्स। जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट होगा जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और ये हमेशा वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई मतलब वाई एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, आई मीन टू से। जैसे हमने वन को लिया तो वन हमने एक्स एक्सिस पे देखा, और वाई इज इक्वल टू टू लिया तो वो टू एक्सिस वाई एक्सिस से हमने देखा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है टू जीरो, जीरो का मतलब आपका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनेगा आपका, बोर्ड दिख रहा है आपको नीचे? ओके, आई विल ड्रॉ हियर। सी हियर, दिस इज एक्स एक्सिस जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, टू जीरो जो पॉइंट है, जीरो का मतलब कि ऑर्डिनेट तो आपका है ही नहीं, इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे लाई कर रहा है वन टू। तो ये टू जीरो जो पॉइंट है वो यहीं पे लाई करेगा, लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि वाई का तो कोई भी पॉइंट है ही नहीं, वाई का जो ऑर्डिनेट है वो जीरो है। जीरो हमें ये दिखा रहा है कि ऑर्डिनेट इज जीरो, इट मीन्स कि वाई एक्सिस पे हम कोई पॉइंट नहीं लेंगे, पॉइंट हमारा टू जीरो जो है वो जीरो का मतलब हमें टू से कोई हाइट लेनी नहीं, टू के ऊपर ही हमें पॉइंट को ड्रॉ करना है। ओके, तो दिस पॉइंट शोइंग अस इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सो पॉइंट टू जीरो लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एवरीबॉडी, आपने आंसर मेरे को ठीक बताया था, बट यू शुड नो द रीजन ऑल्सो वाई। सिमिलरली आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आई राइट पॉइंट जीरो टू, If I write 02, it lies on? It will lie on what? Y-axis. Yes. Because हमारे पास abscissa 0 है. Okay, abscissa 0 है, इसका मतलब हमने x-axis को पे कोई point नहीं लेना. We have to take point only on y itself. यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2, और ये point आपका represent करेगा. इसको छोटी छोटी ये लाइंस भी ड्रॉ करो साथ में, ग्राफ भी, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोर्ड ऊपर करती हूँ इफ इट इज नॉट विजिबल। कैन यू सी नाउ? ठीक है, दिस इज जीरो टू विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। Is it clear? इनमें से कोई पॉइंट पूछना है किसी ने? ए सेक्शन, सी सेक्शन, इज देयर एनी डाउट इन दीज ऑल पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं? कुछ पूछना है किसी को? नो। बी सेक्शन, बी सेक्शन, किसी को भी डाउट है तो आके पूछ लो अभी, क्योंकि उसके बाद फिर आई विल कॉल द नेम्स टू आस्क यू जब क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यही सारे पॉइंट्स आपके पूरे चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ओके, सी सेक्शन, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ? यस, सी सेक्शन, रेज योर हैंड इफ इफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। वेरी गुड। डी सेक्शन, दीज पॉइंट्स आर क्लियर? वेरी गुड, इट मीन्स आपको 50% चैप्टर समझ आ चुका है। ई सेक्शन, पॉइंट्स, वेरी गुड। एफ सेक्शन, ऑल राइट बच्चे, ऑल राइट। चलो कम टू मॉड्यूल, वी आर गोइंग टू असर्शन रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन ग्राफ नीड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, one horizontal and the other vertical. एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार पढ़ने से नहीं समझ आती है, अगर समझ आई भी है तो वो आधी समझ आती है, एक बार और पढ़ेंगे। For fixing a point on graph, we need two mutually perpendicular lines, one horizontal and the other vertical. Horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. टू, रेज योर हैंड जो जो बोल रहे हैं टू है, वो आर कॉन्फिडेंट? बी सेक्शन, बी सेक्शन, एनी डाउट? यस,
ई ने हाथ खड़ा किया, डी ने हाथ खड़ा किया, यस, एफ ऑल्सो, ए ऑल्सो, यस आई कैन सी, एंड फाइन एवरीबडी हैज डन, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दिस इज ट्रू। अगर आप हाथ खड़ा करके ये बोलते हो ना कि यस दिस इज ट्रू, इट मीन्स यू आर द विनर, कि आपने ठीक बताया है वो। ओके बच्चों, दिस इज ट्रू। रीजन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। वेरी गुड, हाथ खड़ा कर दो फटाफट से, हु आर कॉन्फिडेंट। यस, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेरी गुड, यू आर द विनर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपने ही बताया ये आंसर, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, इसके ऑप्शन बताओ, बोथ आर ट्रू, ए ए और बी। ए होनी चाहिए बेटा, दिस विल बी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास दे आर टेलिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द एक्सिस, और दूसरे में दे आर टेलिंग अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ओके, दिस इज, यू कैन मार्क इट। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन एक्स वाई ग्राफ, आप अपनी मॉड्यूल में देखो, मेरे को सुनना नहीं है, आपने दो काम करने हैं एट ए टाइम, देखना अपनी मॉड्यूल में है और साथ साथ में मुझे सुनना भी है। फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन एक्स वाई ग्राफ वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ। यस, Who are the winners? Raise your hand. Yes. Very good. You have told me. This is true. Reason, the coordinate of any point on y-axis is of the form 0, b. False. सोच लो, प्लीज थिंक इट। देखो बेटा, जब मैं रीडिंग खत्म करती हूँ ना, आप इमीडिएटली मेरे को आंसर बता देते हो, थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट No. वांट इमीडिएट आंसर, प्लीज टेल मी। ओके, सोच लो पहले। आपके नोट्स आपके सामने है, की पॉइंट्स आपके सामने है, वहां से देख लो। एम ट्रू रेशो है जो ट्रू ओके आपके वन वन मार्क बनते जाएंगे, जो जो एसर्शन रीजन ठीक बताता जाएगा, आप सोचो कि आपके वन वन मार्क बनते जा रहे हैं। यू कैन राइट ओवर देयर कि यू यू हैव वन वन मार्क ऑफ एवरी क्वेश्चन। फाइन, आपने पढ़ा था द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, b। आपको पता है कि जब वाई के, एक्स वाई को अपने दिमाग में रखो, जब वाई के बारे में पता है तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई करेगी। अब सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में पता है, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में पता है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, सिंपल। ठीक है, दिस इज ट्रू, फाइन। देन असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, ऑप्शन क्या होनी चाहिए? बी बी, वेरी गुड, यू कैन गिव वन मार्क टू योरसेल्फ। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, असर्शन, ओरिजिन इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट इन ग्राफ्स। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, कि हम ओरिजिन से ये हमें पता चल जाता है कि लाइन जो है वो शुरू कहाँ से हो रही है, रेफरेंस पॉइंट आ जाता है कि हमने इसके अंदर अंदर देखना है। ट्रू, यस, यस ट्रू बेटा, यस गुड। जिन्होंने ट्रू सोचा था पहले से ही, जिनको समझ आ गया था, वो हाथ खड़ा करो। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, फाइन। रीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। डाउट ही नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं किसी को, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ आर ट्रू, अगेन बी ऑप्शन। आपको पता है असर्शन में हमारी बात हो रही थी कि ओरिजिन को हम किस लिए यूज करते हैं, और रीजन में बात हो रही है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक
ठीक है बेटे, बात तो अलग अलग हो रही है ना, वो बात तो ओरिजिन के बारे में सोच तो ओरिजिन के बारे में रही है, लेकिन उसमें कुछ और बता रहे हैं और उसमें कुछ और बता रहे हैं ओरिजिन के बारे में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, 3-4 रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन ग्राफ। 3-4 रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन अ ग्राफ। सोच लो सोच लो। श्योरली श्योरली ट्रू कौन बोल रहे हैं कि यस वी आर श्योर कि ट्रू ही है वो? यस दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। आपको पता है कि जो पॉइंट होते हैं ये 3-4 या 1-2 कुछ भी हम लिखें, ये सारे कोऑर्डिनेट ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी आप ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लेते हो, ग्राफ को ही भी आपने ड्रॉ किया सपोज, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप चूज करोगे उनके सारे जो पॉइंट्स लिखोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, -2, वट एवर जो भी आप लिखोगे, वो सारे पॉइंट्स आपके क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट तो सबको पता ही है कि क्या होता है। उस पॉइंट को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब वो ये शो करता है कि एक्स एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है और वाई से कितना डिस्टेंस है, वो जो पॉइंट हमारे पास बनता है, नंबर जो हमारे पास आता है एक्स और वाई का पेयर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो दिस इज ट्रू रीजन, एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0b। ये तो श्योर है, आपको पता चल गया, दिस इज फॉल्स। सो विच ऑप्शन? वेरी गुड, फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन बेटे, देखो अभी आप साथ साथ भी कर रहे हो, आप खुद ही देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। असर्शन रीजन सारी एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो, कैन जज योर सेल्फ। इसके पूरे पूरा क्वेश्चन मेरे साथ साथ ठीक आ रहा है, लेकिन आते मार्क्स के, यस मेरे के 1 मार्क इसमें आए, फिर 1 मार्क फिर से इसमें आए, 1 मार्क इसमें आए, जिनका रॉन्ग हो रहा है वो उसको 1 मार्क माइनस करते जाओ, तो स्टार भी लगाते जाओ। स्टार मीन्स यू हैव टू सी इट लेटर कि ये आपको नहीं आ रहा था, यू डिड इट विद हेल्प, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपने रिवाइज भी तो करना है ना बाद में, आपके पास एक कलेक्शन होनी चाहिए कि क्या क्या रिवाइज करना है। ओके, कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। इन पॉइंट पी 7-5, 7 इज एब्सिसा एंड 5 इज ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। वेरी गुड, एवरीबॉडी नोस। पहला वाला एक्स 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 कोऑर्डिनेट बताएगा, दूसरा वाला हमें वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट, ठीक है बेटे, रिमेंबर दिस, इसको पोएम फॉर्म में एक लर्न कर लो कि दिस इज अ पोएम। रीजन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। फिर से वो ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, विच ऑप्शन? बी ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों में ही हमारी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। असर्शन रीजन में किसी को कोई डाउट है? पूरा नो चैप्टर आपका इसमें सारे असर्शन रीजन में क्लियर हो। ग्राफ इज ड्रॉन हियर, सबको ग्राफ दिख रहा है क्लियरली? 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ए बी सी डी ई, ग्राफ के ऊपर भी मार्क किया हुआ है, यू कैन सी इट। देन केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द गिवन ग्राफ। गिविंग इट टाइम, गिविंग टाइम, ग्राफ आपके साथ है, प्लीज इनके पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स जो ए बी सी डी दिए हुए हैं इनके क्या लिखने? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन आई विल आस्क यू, देन आई विल कॉल द नेम। अपने अपने सारे पॉइंट्स लिखो ग्राफ में, सबको रीड करना आता है ग्राफ? नॉट राइटिंग, आफ्टर 2 मिनट्स आई विल कॉल द नेम। यू टेल मी उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? स्टार्ट राइटिंग, यस।
को नहीं आता यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी नाउ, जिसको आता है वो कर लो। मैम एक्सक्यूज मी, यस बेटा मैम एक बार बोलो बोलो। यस दोबारा बोलो, आई कांट हियर यू। यस यस बेटा कुछ कहना चाहते हो आप? मैम ए पॉइंट। हाँ बच्चे ए पॉइंट यू वांट टू आस्क, ए पॉइंट कैसे देखना है? ओके आई विल हेल्प यू। सी ए पॉइंट में आपके पास आपको देखना है कि जो ग्राफ आपके पास बना हुआ है, ए पॉइंट आपका जहां पे भी है, ये तो पोजीशन तो आपको दिख ही रही है कि ए वहां पे है। अब ए को आपने पेंसिल से उसकी स्ट्रेट लाइन देखो कि ए वो नीचे, जब हम इसको नीचे लेके आते हैं वो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे? फोर, दिस इज फोर। यस, और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी देख लो कहाँ पे आ रहा है वाई एक्सिस पे? सेवन, ए के सामने। फाइव सिक्स सेवन, यस दिस इज सेवन, दिस इज वाई एक्सिस। ओके तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फोर सेवन, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखना है फिर हमने वाई एक्सिस वाला लिखना है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हुए फोर एंड सेवन। इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस, वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग नाउ। ऐसे ही देखने हैं आपको, पेंसिल है तो उसकी एक लाइन उसके साथ 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 ग्राफ में ड्रॉ कर लो, ठीक है? यू कैन इजीली सी, बहुत अच्छा ग्राफ बना हुआ है, बहुत क्लियरली विजिबल है। डू इट योरसेल्फ, फिर मैं भी आपको बताऊंगी, यू कैन मैच विद मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, यू शुड नॉट इग्नोर दिस, ठीक है? दिस इज मार्क स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये वाले। बट इट डोंट डिस्कस, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ए का, यू कैन गेट इट वेरी वेल। ए के सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी के सामने, वाई के सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है? एक्स और वाई एक्सिस से आपने उसको रीडिंग करके उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ओके, किस किस ने एबीसी पॉइंट्स लिख लिए, रे जोहान? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी, वेरी गुड, कंटिन्यू, वेरी गुड, कंप्लीट करो इसको। किसी ने कंप्लीट भी कर लिया होगा इसको, है ना? Anybody has done? Yes. Completely? This was easy question? Okay. Section 8. Param Jyot. Jyot, are you there? Yes. आपने कर लिया बेटा? ओके, इसके बताओगे बेटे आप कोऑर्डिनेट्स? यस, ए की क्या है पॉइंट्स? फोर सेवन, वो हमने लिखा हुआ है। बी के पॉइंट्स बताओगे? सेवन फोर, सेवन फोर, वेरी गुड। मैम टाइम हो गया है, ओवर, टाइम ओवर हो गया। बी का फोर वन, सी के आपके हो गए हैं, सी का फोर वन, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। सी सेक्शन अंकिता, डी की पॉइंट बताओ बेटा, डी की कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं आपने? सेवन फोर, ठीक है बेटा,
1 4 1 4 है ना, 1 6 1 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ई के क्या लिखे हैं? 5 3 5 3 ई आपके पास 3 5 होना चाहिए, 5 3 ने 3 5 ओके प्लीज करेक्ट इट इफ यू हैव डन 5 3 इसके 3 5 होना चाहिए। पहले हमने एक्स एक्सिस के बारे में लिखना है फिर वाई के बारे में लिखना है, प्लीज रिमेम्बर। प्लीज सिट डाउन बेटा। एट बी सेक्शन, बी सेक्शन क्या नहीं आज हो? यस युवराज, एट बी एब्सेंट, एब्सेंट। भूपिंदर मैम लेफ्ट कर गया। ओके हरमन प्रेजेंट, प्लीज आ जाओ आगे। एफ पॉइंट बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। एफ पॉइंट्स के 5 5 दैट इज ऑल राइट। Yes, it means you have come to know. Please sit down. Everybody has come to know how to write the points. Coordinates कैसे लिखने points के? Ma'am, yes. Yes. Then we can leave it. आपको ये समझ आ गया? Second question. Observe the toothpick pattern given below. नीचे आपका boxes बने हुए हैं. Pattern 1, pattern 2, 3 and 4. Please see it very carefully. ध्यान से इनको देखो. कैसे बना हुआ है? टूथपिक पैटर्न, टूथपिक पैटर्न मतलब टूथपिक आपको पता है छोटी छोटी सिक्स होती है, ये उन सिक्स को ज्वाइन करके आपके ये बॉक्सेस बने हुए हैं। पैटर्न वन में यू हैव सिक्स आर यूज्ड, दिस इज फर्स्ट पैटर्न, पैटर्न वन, ठीक है। कितनी सिक्स यूज हो रही है इसमें? फोर। फोर यू कैन राइट डाउन एट द टॉप, फोर यूज हो रही है। पैटर्न टू में पैटर्न टू में कितनी यूज हो रही है बेटा? देखो उसको ये नहीं सोचना कि वहां पे वन में फोर थी तो उसको मल्टीप्लाई करके आप कर दो कि टू हो रही है। आपको पता है ये सेंटर वाली लाइन कॉमन है दोनों के लिए, दोनों बॉक्सेस के लिए, उसको एट नहीं काउंट करना, एक ही बार काउंट करना है आपको। ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ओके प्रॉपरली इसको काउंट करना है। दिस इज 7 ओके। पैटर्न 3 में कितनी यूज हो रही है? 10 उसमें 10 यूज हो रही है। यस यू हैव काउंटेड राइटली। इसको आपने बॉक्स में लिखना है, नीचे आपका बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। देयर आर मिसिंग वैल्यूज, इमेजिन दैट दिस पैटर्न कंटिन्यूज, कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ टूथपिक्स इन द फर्स्ट 6 टर्म्स। ओके सारी उन्होंने ड्रॉ तो नहीं की हुई है और तो आपको इसको कंप्लीट करके इसमें बताना है कि कितने कितने आएंगे, ठीक है। आप गेस भी कर सकते हो। और आपने जब इसको बेटा ऐसे जब इसने लिख लिया, आपने 1 and 4 लिख लिया, फिर आपने 2 and 7 लिख लिया, आपको थोड़ा गेस भी हो गया ना कि किस वे में पैटर्न इंक्रीज हो रहा है। आप अगर अभी ड्रॉ करना छोड़ दो, आप यहां से भी आपको गेस हो रहा है ना। 3 में आपने 10 बताया, अब आप 4 5 और 6 में बता सकते हो बाय सीइंग द पैटर्न की पैटर्न कैसे चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर लोअर बॉक्स में। 3 3 का गैप है, यू आर एडिंग 3 एवरी टाइम। ओके यस 4 के नीचे क्या आएगा? 13। अगेन 3 ऐड करो, 16 19 19। ओके यू नीड टू ड्रॉ इट, 2 3 आपने ड्रॉ किए हुए हैं उनको काउंट कर लिया। You have come to know कि कैसा पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न आपके नंबर्स का भी बनेगा। ओके यू नीड नॉट ड्रॉ इट कि एक एक को आप ड्रॉ करोगे, पहले 5 को फिर 6 को फिर काउंट करोगे 6 को। ओके ये थोड़े कॉमन सेंस भी लगा लेनी है कि यहाँ ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है, ये इसी फॉर्म में आपका पैटर्न का नंबर भी बनेगा, ठीक है। दिस बॉक्स इज क्लियर, हैव यू रिटन देयर इन द ब्लैंक बॉक्सेस? यस बी पार्ट, मेक अ ग्राफ बाय टेक, स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है। ओके बच्चे विल कंटिन्यू, अगर आपको ये समझ आ गया यू कैन ट्राई दिस एट होम। चलो सी यू टुमारो।
थैंक यू मैम, बाय, वेलकम. Bye, ma'am. Thank you.